पेंसिल के छिलके को दूध में मिलाकर रखने से वो रबड़ बन जाती है। बचपन में ऐसा बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या कभी बनाने की कोशिश की है? अगर नहीं तो चलो आज हम सच में बनाकर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कल के बचे हुए पेंसिल के छिलके को निकाल कर बाहर रख लेंगे। उसके बाद उन छिलकों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। फिर छिलके से भरे ग्लास में दूध डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसे रबड़ बनने के लिए एक सुरक्षित स्थान पर रख कर चले आएंगे। बचे हुए दूध को कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। कमेंट करके बताइए कितने लोगों को दूध पीना बिल्कुल नहीं पसंद। जब तक रबर बनने की प्रक्रिया चालू है तब तक हम लोग कुछ जरूरी काम निपटा लेते हैं, जिसमें से पहला है खाना खाना। खाने के बाद मैंने खाई है फ्यूज नामक चॉकलेट। खाने के बाद मेरी सारी फ्यूज हो गई, क्योंकि इसका टेस्ट कुछ खास नहीं था। कई घंटे बीत चुके थे, अब बारी थी ये चेक करने की कि हमारी रबर बनकर तैयार हुई या नहीं। ये तो सच में रबर बनकर तैयार हो गई यार।